प्रोफेसर साहब, ये जो सुंदर वेला, पावन वेला इस समय हम देख रहे हैं, इसको आपके मन में इस समय किस तरह के विचार आ रहे हैं? देखिए, हमारे जो वैष्णव धर्म के सम्राट आचार्य रामानंदाचार्य जी हुए जी, उन्होंने अवधपुरी के बारे में जो वर्णन किया है वो भजनात्मक है थोड़ा। अवधपुरी निज धाम कहिए, निकट सरयुग श्री गंग है, दशरथ नंदन असुर भंजन, श्री राम जी पूरन ब्रह्म है, श्री राम जी पूरन ब्रह्म है। और यह पूर्ण ब्रह्म भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को कहा गया है, और उनके साथ माता सीता का जो संयोग है जी, वह उनके पूर्णता की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहा है। सीता जी का नामकरण सीता क्यों हुआ, इस विषय में वेदों में कहा गया है शीरा जुंजंती कवयो, तो शीर कहते हैं हल को जी। और हम सब जानते हैं कि जब जनक जी के नगर में दुर्भिक्ष हो गया था, अकाल पड़ गया था, कई वर्षों तक वहां पर्जन्य देव वृष्टि नहीं किए, सूखाग्रस्त हो गया जी। तब यह ज्योतिषियों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने यह विचार दिया कि अगर राजा स्वयं हल यहां जोतें तो यहां वर्षा हो सकती है, उसको सीता यज्ञ का नाम दिया गया है। पारस्कर गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों में उसका पर्याप्त वर्णन है। तो वह जो हल है, उस हल के जोतने से ही सीता जी धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नामकरण सीता किया गया था, क्योंकि सीता हल का नाम है और हल के कर्षण करने से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो वह जो पृथ्वी स्वरूपा माता सीता हैं और द्युलोक स्वरूप जो भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उन दोनों का जो संयोग है वह इस पूरे विश्व के पालन पोषण भरण करने के लिए ही हुआ था, और यही इस समय हो भी रहा है, यही उम्मीद भी है। आनंद नीलकंठन, ऑथर ऑफ असुर टेल ऑफ द वैंक्विश्ड, जॉइंस मी ऑन द ब्रॉडकास्ट। आनंद नीलकंठन, एज वी लुक एट दीज इमेजेस ऑफ द दिव्य भव्य राम टेम्पल इन अयोध्या, योर थॉट्स, बिकॉज मेनी इन अयोध्या हैव टीयर्स इन देयर आईज सेइंग वी डिडंट नो इफ वी विल सी दिस इन आवर लाइफ टाइम, दिस इज राम राज्य की ओर अग्रसर, is that your feeling? Ramayan always have united India from north to south, east to west. Take the tale of Ramayan itself. Sita is from Mithila, Ram is from Ayodhya, Kaikeyi comes from the northwest, from central India Kausalya comes, Hanuman's Janmabhoomi is in the south, up to Lanka. It's actually the total concept of Akhand Bharat. And hence, Ramayan and Ram itself becomes an emotion for all Indians, cutting across language, cutting across religions, cutting across cultures. In fact, Ramayan has united not just India, but the entire greater India and the Asia itself. So this is a very momentous occasion for all of us. This is a very emotional moment for lots of people. And I'm happy that I'm also contributing in some way for the propagation of Ramayan through my television series, in which I am, which is being telecast now in a prominent channel, the story and screenplay. So this is a great moment for all of us. Not just that, if you see every Indian language, the father of that language is the person who had written Ramayan in that language. Whether you take Tamil, whether you take Bengali, whether you take Malayalam, whether you take Kannada, whether you take Marathi, the greatest poets have rewritten the Ramayan in their respective languages, just like how Tulsidas ji had done the Ramcharitmanas. Every Indian language starts with Ramayan.